हमारे बेटे जी लगा रहे हैं मेहंदी हमारे हाथों में, उन्हें आता नहीं है फिर भी वो कोशिश कर रहे, तो इस कोशिश पे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए मुझे नींद आ जाती है और फिर फोन आ गया था। हाँ ठीक है, मैंने बात करके बिगाड़ दिया, तो क्या करी, टकली दुल्हन दिख रही है, इसको बाल नहीं दिख रहा आपको। तो ये हमारी मेहंदी लग चुकी है, कल है तीज, तो तीज की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और बस ये मेहंदी मेरी लग रही है, लेकिन इस पे एक ही नाम लिखा है, बताइए के साथ जी भी रहना जरूरी है, लेकिन इसने जी नहीं लिखा। अब मेरा और ऐसे ही पांडे जी का नाम है जी के जी के जी। अब के जी से केजी पढ़ने आ रहा है और जी के से तो आप समझ जाइए। कल रहेगा व्रत, तो हमने आज मेहंदी लगा ली, एक हाथ में मेरे बेटे ने लगाई थी, तो आधी लगाई आधी नहीं, और मुझे मेहंदी लगाने की बड़ी नींद आ जाती है, लेकिन फिर भी मैं सोई नहीं हूँ। तो कल निराजली व्रत है, फिर मैं आपको कहूँगी अगर आप व्रत रख पा रहे हैं, सक्षम है तो रखिए, नहीं तो चाय पानी जूस पी लीजिए और अपने पति को कह दीजिए कि आपके जगह वो रह जाए, भगवान एडजस्टमेंट कर देंगे। तो भंडारी से निवेद प्रार्थना कर लीजिए, सुबह जल चढ़ा दीजिए, बेलपत्री चढ़ा दीजिए, मन से व्रत रहा जाता है। तो भी बज रहे हैं रात के 10:30 हो रहे हैं और अभी हमारी मेहंदी लग रही है। टॉक ना बनाए, ना वीडियो बनाए, ना बनाए, देखिए फिर सुशी तलाव बनाए ली, हमारे इंतजार बहुत मन ही करा तो यही कि वीडियो हुआ ना बनाए, नहीं तो हम दे बनाए ली है कि नहीं। तो सवेरे मेकअप वेकअप थोप के तब मिला, ठीक है। अरे अरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कान्हा जी हमारे बैठे हुए, चिंता की क्या बात है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज है तीज और आप सभी को तीज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं है। तो पहले आपने देखी ये एक हाथ में मेरे बेटे ने ये आधी मेहंदी लगाया था, सिर्फ ये इतना सा आधी लगा के फिर मेरा बेटा लगाया सो गया भाई। और इसके बाद मेरी लड़की ने कल रात को कंप्लीट किया और इस साथ में भी मेरी लड़की ने लगाया, दोनों में ही मेरी लड़की ने लगाया, वो आप लोगों ने देख लिया, बोलने की जरूरत नहीं है। और आज है तीज, तीज का व्रत। तो मैंने सोचा था कि मैं मतलब नीचे हमारे इधर मार्केट चलती तो मैं जाऊँगी और सुबह फ्रूट व्रूट ले लूँगी जो शाम को छूने करे। तो हमारे सामने है जो वो बनारस की, तो उनके यहाँ अलग तरीके से पूजा, तो उनके पूजा में भी मुझे जाना था, तो मैं भी वहाँ के लिए भी थोड़ा सामान ले लूँगी। लेकिन मेरी क्या ना आलस, कल कोई काम नहीं था, जो मैं काम लाती वो भी काम नहीं, घर का भी काम निपट गया क्योंकि मेरी लड़की ने बहुत मदद की, कल संडे था तो उसने घर का काम भी करा लिया, रात का भी बर्तन वर्तन, उसने बोलते ना जितना मिल जाए इंसान को फिर उसे लालची हो जाता है, स्वार्थी हो जाता, तो मैं हो गई स्वार्थी, तो मैंने काम एकदम डिले कर दिया, मैं जाके लेके आ सकती लेकिन डिले कर दिया। मेरी बेटी ने सारा काम किया लेकिन फिर भी मैं आराम से कल इतना सोई कि कुछ मत गई नहीं। और आज सुबह से देव राजा इंद्रदेव बरसा रहे हैं बारिश, 12 बजे उनके यहाँ पूजा होगी, पूजा में लेके क्या जाऊँगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इंद्रदेव रुक नहीं रहे हैं और ऊपर से हमारी बैंड बज रही है। तो भाई मैं ये कहूँगी अगर आपकी बेटियाँ काम कर रही हैं, आपको कर रही हैं कि कल मम्मी का उपवास इलावाज से हम काम कर रहे हैं, तो भाई उस क्या उन्हें थैंक यू तो बोलना बनता ही है, मैंने बोल भी दिया थैंक यू, बट आलस मत कीजिए हमारे जैसे। अब इंद्रदेव से मना रहे हैं कि आप रुक जाइए मार्केट लग जाए और हम ले आए सामान, रुक गए तो अच्छी बात है, तो हम कह देंगे भोले भंडारी हमारे जैसे आलसी इंसान भी आपके शरण में है और ले लीजिए, अब और क्या कहें, और कुछ नहीं कह सकते। तो हरे कृष्णा राधे कृष्णा, और तीज का व्रत कर लीजिए। मैं फिर भी कहूँगी आपकी सेहत साथ दे रही है तो आप व्रत रखिए, व्रत रखिए, इसमें फरहारी भी देते हैं, ऐसा नहीं कि निराजल ही रहते हैं, आपका शरीर साथ दे रहा है, स्वास्थ्य आपका सही है तो आप पूरा दिन पानी मत पीजिए, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो नारियल पानी जूस ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं,
फिर रात को चंद्रमा को देखकर पूजा कर लीजिए और इसके बाद प्रहार कर लीजिए, क्योंकि जूस और पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका बॉडी से, तो ऊपर वाले भी देख रहे हैं, भोले भंडारे भी, भाई क्या करें, है कि नहीं। अब गौरा जी के कितना तो हम तपस्या कर नहीं सकते कि करें, तो भाई शंकर जी जब तक भोले भंडारी चल रहा है तब तक चल रहा है, उसके बाद हम भी यही करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको ही राग रतन दे रहे हैं, हम भी यही करेंगे, जब तक बॉडी साथ दे रही है तब तक दे रही है, उसके बाद तो जय सिया राम। तो वीडियो में ऐसे बने रहिए और आप सब्सक्राइब तो करेंगे नहीं, मैं कितना भी बोलूँगी कि सब्सक्राइब कर लो तो सब्सक्राइब करेंगे नहीं। फिर कोई लोग बोलेंगे चैनल का नाम क्या, तो गीता के ब्लॉग है भाई, सब्सक्राइब करने में आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती, और जितने दिन सब्सक्राइब करते ना उतने दिन देखते भी नहीं है, देखा करो। अरे डांट नहीं रहे, तीज के दिन है, गले में पानी नहीं गया है और जाएगा भी नहीं, तो आप सोचिए कितना बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम। तो हम मिलते हैं आपसे, पानी वानी भर लेते हैं, कपड़ा वपड़ा। अच्छा मेहंदी लगती है तो बड़ी अच्छी लगती है मुझे मेहंदी लगाने के बाद, लेकिन मेहंदी में जल्दी क्यों नहीं लगाती, कि जब ये निकलने लगती है ना तो चमड़ी की जैसे जैसे निकलती है ना वो बहुत ख़राब लगती है मुझे इसके लिए, है कि नहीं। थोड़ा बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, आप लोग, आप लोगों की इच्छा है कि बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, आप लोगों का कहने का क्या मतलब है। और हाँ, अगर आप लोगों को मन की बात जानने की इच्छा है कि मैं मतलब मन की बात कभी कभी कहूं तो बताइएगा जरूर, आप उसे कमेंट करेंगे नहीं, मुझे ही करना रहता है। तो हम मिलते हैं इंद्रदेव, कोशिश करें कि इंद्र भगवान बारिश कम करो और हम पहुंचे, और गणपति पापा आ रहे हैं रात को 12 बजे, इनके मुख से पर्दा हट जाएगा, अब बस 11 दिन गणपति बप्पा मोरिया, जय सिया राम। ले आए सामान, थोड़ा सामान लाना था, क्योंकि बगल में उनके बनारस के साइड का पूजा करते हैं तो उसमें जाऊंगी, तो थोड़ा बहुत, अगले साल नहीं पता था तो ऐसे ही चले गए थे, तो इस बार थोड़ा बहुत सामान ले आई चढ़ाने के लिए। और हमारे यहाँ का जैसे होता है, फिर हमारे यहाँ रात को पानी पड़ जाता है, तो उस हिसाब से उसका सामान ले आई, फिर भी एक नहीं मिला है, कोशिश करूँगी शाम को फिर जाके देखूँगी, प्यास तो भी सही लगती है लेकिन देखते हैं। हमारा तीज का सामान है जो हमें अभी रात को छुके किसी पंडित को देना है। हमारे में तो नाम लिया नहीं जाता लेकिन वो बनारस में नाम लिया जाता है।
गाड़ी को चलाने के लिए जिसे ड्राइवर चाहिए, गाड़ी को चलाने के लिए जिसे ड्राइवर चाहिए, जीवन साथ और जीवन चलाने के लिए जीवन साथी चाहिए। तो पांडे जी ने मेरे दिया, मैं उनकी बात ही और खत्म। अरे फोटो मेरे बेटे को बोलूंगी ले ले। लड़के का मेरा कहना शक्कर पियो या पानी पियो, शक्कर वाला पानी पी ले। अरे कम पी, एक बैग नहीं पिन जा था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Oh, my God.
मम्मी आपकी कहाँ जा रही है? राजा जी के दिलवा अभी स्किन के लिए खोज में। थैंक यू इन सभी का जिन लोगों ने मुझे अपनी पूजा में शामिल किया और तीज का त्यौहार इतना स्पेशल बनाया। जो येल्लो साड़ी वाली इन्होंने ही मेरे घर के सामने थी, इन्होंने ही शामिल किया, तो थैंक यू और भगवान जी का कि इन लोगों से मुझे मिलाया। मतलब तीज का त्यौहार मनाए तो इन लोगों से